नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश गुप्ता, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन नेशनल प्रेसिडेंट। आज मैं अपने देशवासियों को संदेश देना चाहता हूं, जो हमारा भारत देश जो कोरोना से जूझ रहा है, आज अमीर हो गरीब हो, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग आज इस कोरोना में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये जो कोरोना है ये बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन अगर आप अपने दिल में ठान लो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रिकॉशन ले रहे हो, अगर आप रूल्स के हिसाब से चल रहे हो, तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग क्या कर रहे हैं, बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री वो लोगों से कह रहे हैं, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, आप सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखो, आप मास्क लगाओ। लेकिन दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें लग रहा है ये कोरोना कुछ नहीं करेगा। अभी भी मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों का कहना है कोरोना से कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, चलो ठीक है, अच्छी बात है आप पॉजिटिव हो, मगर कम से कम अपने लिए ना से स्पेरो के लिए मास्क यूज करो। क्योंकि दोस्तों, कोरोना जो है वो बात करने से, मैं मानता हूँ कि छूने से नहीं फैलता, लेकिन बात करने से हमारे मुंह के अंदर जो जो भी वायरस होता है वो बाहर आता है और सामने वाले को टच कर सकते हैं। तो इसके लिए मित्रों, आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग प्रिकॉशन लो और ध्यान से अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। मैं एक बात बताना चाहूंगा मित्रों, आज अगर आपको कुछ हुआ तो सोचो आपके फैमिली का क्या होगा। आज आप एक आदमी जिस जो अपने फैमिली को चलाता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, उसकी वाइफ होती है, उसका आपका पूरा परिवार होता है। अगर आज समझो आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे आपका परिवार का क्या, इस चीज का मित्रों आपको ध्यान देना है। और मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अगर सर सलामत तो पगड़ी हजार, अगर आप अपना ध्यान रखोगे, अपने लोगों का ध्यान रखोगे, अपने परिवार का ध्यान रखोगे, तो आप सलामत रहोगे और सही रहोगे। अगर आपको घर से निकलना है तो सोशल डिस्टेंस का पालन करो, हर चीज का ध्यान रखो। हमारे देश के तरफ से जो भी संदेश आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, हमारे शासन प्रशासन तरफ से जो भी संदेश मिल रहा है, कृपया मित्रों उसका पालन करो। मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा एक सवाल हमारा है कि जैसा मुंबई में आप अभी बैठे हैं, तो मुंबई वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो कि मुंबई में बढ़ते कोरोना के हालात ज्यादा हो रहे हैं मुंबई गुजरात में? मुंबई वासियों को बोलना चाहूंगा कि मुंबई हमारे देश की एक महानगरी है, मुंबई हमारे देश की एक महानगरी है, और यहाँ जो लोग है कुछ लापरवाही कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो क्षेत्रफल बहुत छोटा है मुंबई का, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, 2 करोड़ लोग हमारे मुंबई में रहते हैं कम से कम। तो हमको आपस में, मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन रखें, जो मैंने बताया था। अगर घर में से बहुत जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले। एक काम करने के लिए कभी कभी मैं देख रहा हूं तो 2-2, 4-4 लोग बाहर निकलते हैं, एक काम के लिए एक ही बंदा बाहर निकले। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए शासन प्रशासन आपके पास नहीं आएगा, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है और अपना खुद का ध्यान रखना है। और यह संदेश मैं पूरे मुंबई वासियों को देना चाहूंगा। और दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे चैनल जेके नेशनल चैनल, जिन्होंने जो मेरे ऑफिस पे आए, जिन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया, और इस चैनल के माध्यम से आज पूरे भारत को मैंने संदेश दिया और मुझे मौका मिला इस चैनल के तरफ से। इसके लिए मैं इस चैनल का, जेके नेशनल चैनल का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।